लातेशाल का पहला चिड़ियाघर। सैकड़ों लोग जानवरों की एक झलक देखने के लिए उमड़ आए। स्कूलों के तालिबात, बच्चे, बूढ़े और ख्वातीन भी चिड़ियाघर की सैर करने लगे। ताहम एहलकारों की कमी की वजह से गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं। पंजरों में बंद मुख्तलिफ जानवरों को लोगों की जानिब से आवाजें देने समेत पत्थर मारने का सिलसिला भी जारी है। इंतजामिया ने लोगों को कंट्रोल करने के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड तैनात कर दिए। तालिबात और ख्वातीन चिड़ियाघर के क्याम पर खुश हैं, ताहम जानवरों को तंग करने के इकदाम को गलत करार देती हैं। लायन है, लेपर्ड है और ये पहली बार लाइक पेशावर में कोई तफरीही अच्छी जगह है जहाँ सब लोग आ सकते हैं। बस ये कि एनिमल्स को मारना नहीं चाहिए ताकि वो बेचारे डर के मारे निकले तो सही। हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है इस बात से कि ये एनिमल्स हैं और ये तो बेचारे मासूम हैं, बंद हैं, इनके साथ तो हम लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से ट्रीटमेंट इनकी करनी चाहिए। तो पढ़े लिखे लोग तो ऐसा नहीं कर रहे ना, मतलब जैसे स्टूडेंट रहते नो कि ये जी एनिमल्स हैं, ये प्लांट्स हैं, इनके बारे में जानते कि पत्थर नहीं मार, लेकिन जो नहीं थोड़ा टाइम लगेगा ना, जितनी अवेयरनेस आएगी। मुख्तलिफ फॉरों में इस्तेमाल शुदा कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें भी नजर आ रही हैं। चिड़ियाघर के लिए मजीद 53 अहलकारों को भर्ती किया जाएगा। इंतजामिया का कहना था कि मौजूदा वसाल में हालात को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। हमारा स्टाफ भी लगा रहता है, हम इसमें जो है ना बैनर्स वगैरह भी लगा रहे हैं, इन लोगों के साथ तरीके से काउंसलिंग भी कर रहे हैं। जिस तरह चूंकि इनका इससे पहले इस तरह का टेस्ट नहीं है, तो मीडिया और हम मिल के ये जो छोटी छोटी मॉब्स वाली हरकतें हैं पॉजिटिव तरफ को लाने की कोशिश करेंगे। इंतजामिया ने मुख्तलिफ ममालिक से दीगर जानवरों को लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया और आइंदा 4 माह में चिड़ियाघर में चीता और हाथी भी लाए जाएंगे। कैमरामैन हयात के साथ मुशरतुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर।